हमारे मॉन्स्टर होटल के क्रिसमस में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका होस्ट ट्रैकुला। आवाज से तो आपने पहचान ही लिया होगा, पर आज की कहानी मेरे बारे में नहीं है, क्योंकि मैं वैम्पायर काउंसिल में बैठकर मेवी वेवी को याद कर रहा हूँ। और अब आप सुनने वाले हैं एक डरावनी कहानी अपने खूंखार ड्रैकुला की जबानी। जब तुम गहरी नींद में होते हो तब वो चुपके से आता है, खाली सड़कों पर मंडराता हुआ तुम्हारे घर पहुंचता है। जब तुम डरावने सपनों में खोए होते हो तब क्रैम्पस बिस्तर के सामने आता है और अपनी तोप चलाकर बिस्तर के नीचे तुम्हारे गिफ्ट रख देता है। मेरी क्रिसमस। डूड, ये क्रैम्पस ना बहुत कमाल का क्रिसमस मॉन्स्टर है, सबसे खूंखार, पर वो हमारे लिए प्रेजेंट्स लाता है, इसलिए वो है सबसे कूल। तुम भी अपने डैड की तरह बहुत ही मजेदार तरीके से क्रिसमस स्टोरी सुनाती हो, उन्हें तुम पर नाज होगा। थैंक्स वेंडी, पर डैड के बिना क्रिसमस बहुत ही बोरिंग लग रहा है। फिकर नॉट मेविस, हम इतनी शानदार पार्टी करेंगे कि तुम्हें तुम्हारे डैड की याद भी नहीं आएगी। तुम भूल गए कि आंट लिडिया को कोई सजावट पसंद नहीं है, ना ही क्रिसमस, ना ही किसी भी तरह की खुशी मनाना। ये तुम कह रही हो? ठीक है, पर हमें सब कुछ चुपचाप करना होगा। चुप रहना मेरे बाएं हाथ का खेल है। इन चारों ने सजावट का काम शुरू कर दिया, पर पेड्रो से कुछ भी चुपचाप ना हो पाया और क्रिसमस की डेकोरेशंस अधूरी रह गई। और जब आंट लीडिया वहां पहुंची तो आग बबूला हो गई। ये सब क्या हो रहा है? आंट लिडिया, हाय, अच्छा हुआ आप आ गई। हमने सोचा कि क्रिसमस आने में एक ही दिन बचा है, तो क्यों ना हम होटल में थोड़ी सी डेकोरेशंस कर दें। बहुत गलत सोचा। पर आंट लिडिया, हर साल डैड और मैं मिलकर पूरा होटल सजाते हैं और मेंढक वाला केक बनाते हैं। मुझे पता है तुम्हारे डैड को क्रिसमस बहुत ज्यादा पसंद है, पर इस साल होटल के इंचार्ज मैं हूँ और अगर इस होटल में मुझे कोई भी क्रिसमस मनाता हुआ दिख गया तो बहुत हुआ, कोई क्रिसमस नहीं मनाएगा। स्कैरी क्रिसमस। वैसे तो मेवी अपने आंट के गुस्से को जानती है, पर उसकी आंट को क्रिसमस से इतनी नफरत क्यों है, अब वो ये जानना चाहती है। कोई मॉन्स्टर सबको क्रिसमस मनाने से मना कैसे कर सकता है, ये गलत है। ये वाकई बहुत बुरी बात है। जब लिडिया छोटी थी तब उसे क्रिसमस मनाना बहुत पसंद था। हाँ, मैं समझी, उन्हें क्रिसमस से एक मिनट, क्या आपका मतलब है मेरी आंट लिडिया सबसे खतरनाक ड्रैकुला को क्रिसमस पसंद था? खतरा खतरा। चुप करो, मेरा ध्यान कहीं और था। बहुत अच्छा हुआ, हमें गिफ्ट देने के लिए थैंक्स मेविस। अंकल जीन, क्या ये सच है? हाँ ये सच है, लिडिया को क्रिसमस बहुत पसंद था और क्रैम्पस भी, एक बार वो उसे मिलने भी गई थी। ज्यादातर मॉन्स्टर क्रैम्पस से मिलने से बहुत डरते थे, बस लेटर लिखते थे ताकि उसे पता चल जाए सबको कौन सी गिफ्ट चाहिए। जो अपनी गिफ्ट पाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते थे वही दूसरी दुनिया जाने की हिम्मत रखते थे और अपने लेटर्स खुद क्रैम्पस को देकर आते थे, फिर क्रैम्पस उन सबको बड़े पहाड़ से लात मार के बाहर फेंक देता था। लिडिया का भी बचपन का डरावना सपना पूरा हो गया। तब वो 40 साल की एक बच्ची थी और अपने लिए एक स्पेशल क्रिसमस गिफ्ट चाहती थी, अपना पहला जानलेवा और खतरनाक हथियार। उसने क्रैम्पस को हथियार की फोटो भी दिखाई ताकि वो और कुछ ना ले आए, पर फिर लिडिया ने देखा कुछ तो गड़बड़ है। क्रैम्पस ने बाकी बच्चों की तरह लिडिया को लात मार कर नहीं भेजा, बल्कि उसे स्माइल दी और बाय बाय बोलकर भेजा। फिर क्रिसमस की उस रात लिडिया अपने कब्र से बाहर आई और देखा कि क्रैम्पस उसके लिए एक गिफ्ट रख कर गया है, पर उसके अंदर थी एक चमकती हुई जिंगल बेल। उस दिन
उसके बाद लिडिया ने कभी कोई क्रीपस नहीं मनाया ना ही कोई गिफ्ट मांगा। मैंने इससे दुख भरी कहानी कभी नहीं सुनी, इसीलिए उन्हें क्रीपस से इतनी नफरत है। मुझे बहुत ही डरावना आइडिया आया है, तुम सब भी बिल्कुल वही सोच रहे हो ना? कि हमें छुपकर क्रिसमस मनाकर खुश रहना चाहिए और लिडिया से पंगा नहीं लेना चाहिए। सही कहा, हमें क्रैम्पस के पास जाकर उसे बताना चाहिए कि उन्होंने आंट लिडिया का क्रिसमस बर्बाद कर दिया, इसलिए उन्हें वो हथियार देना ही पड़ेगा। मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मुझे 2000 साल और जीना है। मैं भी नहीं जाऊंगा, मेरे मॉम डैड अभी अभी आए हैं, वो मुझे कहीं नहीं जाने देंगे। मेविस मेरी बेस्ट फ्रेंड है और वो क्रीपस बनाना चाहती है, तो मैं उसके साथ हूँ। थैंक यू वेंडी। अच्छा, और तुम्हें पता ही होगा कि अगर उसे मिलने का टाइम खत्म हो जाए और तुम उस टाइम के बाद उसकी गुफा में पहुँचो तो वो तुम्हारी क्या हालत करता है। छोड़ो भी, मैं सिर्फ ये खिलौने के लिए नहीं कर रही, मैं ये डेकोरेशंस, गाने और केक खाने के लिए कर रही हूँ। मैं हम सबको क्रिसमस पर बोर होने से बचाना चाहती हूँ, तुम समझ क्यों नहीं रहे? तुम फीफी को जानते हो? हरी सी जॉम्बी। क्रैम्पस के पास जाने से पहले फीफी एक प्यारी सी जॉम्बी हुआ करती थी, पर रोब के दोस्तों ने उसका साथ छोड़ दिया, पर उसने हार नहीं मानी। वो अकेले ही क्रिसमस बचाने निकल गई बिना पिए खून या पानी। उड़कर पहुंची वो दूसरी दुनिया के उस पार, जिनके बारे में सुनकर हो जाए तुम्हें बुखार। आखिर मेविस पहुंच गई क्रैम्पस के गुफा के बाहर और घबरा कर खुद से पूछा, मैंने ठीक किया यहाँ आकर? हेलो, कोई है यहाँ पर? कौन है वहाँ? मैं हूँ मेविस। मुझसे मिलने का टाइम खत्म हो गया है। पता है, और इस बात के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ, पर एक बहुत बड़ी क्रिसमस इमरजेंसी है। हर बार यही होता है। हाँ, सॉरी, मेरी आंट ने आपसे 2000 साल पहले एक गिफ्ट मांगा था, शायद आप देना भूल गए, मैं वही मांगने आई हूँ। मैं भूल गया? सुनो मेविस, सही कहा ना, तुम्हें तो बहुत जानकारी है। हाँ, मैं बहुत पढ़ाकू हूँ। पर क्रैम्पस कभी गलती नहीं करता। मेरी आंटी है लिडिया ड्रैकुला। लिडिया? अच्छा लिडिया, तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मुझे पता है तुम किस क्रिसमस की बात कर रही हो। मैंने वो गिफ्ट जानबूझकर नहीं दिया, उसे वो गिफ्ट मिलना ही नहीं चाहिए था, और इसीलिए मैंने उसे कोई दूसरा गिफ्ट दे दिया था। पर... चुप हो जाओ, मुझे थोड़ी देर सोकर लोगों को गिफ्ट देने निकलना है, इसीलिए वापस अपने घर चली जाओ और उस हथियार को भूल जाओ, वरना मैं तुम्हें काले समंदर की जहरीली मछलियों को खिला सकता हूँ। नहीं, मैं जा रही हूँ। ओके, तो अब यहाँ से दफा हो जाओ, स्केरी क्रिसमस। जैसे ही मुंह लटकाकर मेविस वापस जाने लगी, उसकी चमगादड़ वाली नजर लिडिया के गिफ्ट पर पड़ी। उसके शैतानी दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया, फिर चुपके से उसने उस हथियार को चुराया। नहीं, रुक जाओ, मेवी ऐसा मत करो। क्या वो मुझे सुन नहीं सकती? कहानी सुनाने का क्या फायदा अगर मैं कहानी बदल नहीं सकता? ओके, कहाँ था मैं? क्रैम्पस ने समझाने के बाद भी मेविस ने उसकी बात ना मानी, क्योंकि वो है बड़ी सिद्धी, उसने की अपनी मनमानी। स्केरी क्रिसमस की बधाई हो। मुझे एक कप और मेंढक का सूप डालोगे फ्रैंकी? शुक्र है लिडिया यहाँ नहीं है। ये मैंने नहीं किया, मेरे अंदर दूसरे मम्मी की आत्मा घुस गई थी। मेरी मॉम कमाल की है। एक्चुअली हम सब बहुत खुश हैं, इस बार होटल में कोई क्रिसमस नहीं मना रहा, हम सब आराम से बैठकर खा सकते हैं। याद रहे, मुझे यहाँ पर कोई मॉन्स्टर खुश नहीं देखना चाहिए। मेविस, तुम जिंदा हो? जल्दी छत पर मिलो, 5 मिनट में। तो हमें चलना चाहिए। थोड़ी मस्ती करने। हमारी फिक्र मत करना, बाय मम्मा। मैंने क्रिसमस को बचा लिया।
वो हथियार। बढ़िया, चलो अब इसे लीडिया को दे दो ताकि हम क्रिसमस मनाएं। मैं उन्हें ऐसे ही नहीं दे सकती। क्या, क्यों नहीं? इन 2000 सालों में आंट लीडिया कभी भी इस खिलौने को चुरा कर ला सकती थी, पर वो नहीं लाई। वो चाहते हैं कि इस गिफ्ट को क्रैम्पस अपनी टॉप से हड्डी वाले पेड़ के नीचे फेंक कर जाए। इसलिए तुमने मुझे 300 सीढ़ियां चढ़वाई ताकि मैं ये टॉप उठा कर ला सकूं। तुमने हॉल में हड्डी का पेड़ लगाया है, आंट लीडिया हैरान हो जाएंगी। वो हैरान तो होंगी ही वेंडी, पर पेड़ को देखकर नहीं, उस गिफ्ट को देखकर जो वो हमेशा से चाहती थी। फिर वो हर साल हमारे साथ मिलकर क्रिसमस मनाया करेगी। मेविस, क्या हो रहा है? क्रिसमस मनाते लोग फोड़ डालो। ओ, अच्छा किया। डिब्बे अंदर ले जाओ डूबाडू, क्योंकि तुम दिखते हो बड़े बंदर। डोनाल्ड जैसा कोई दुनिया में नहीं सुंदर। आया। ओ, गए काम से। हमें उस खिलौने को वापस लाना होगा, वरना क्रिसमस तो गया काम से। इस वक्त वो सो रहे होंगे, तो चलो जल्दी अंदर चलें। पर हम अंदर कैसे जाएंगे? इनके घर में तो वो हाईटेक वाला सिक्योरिटी सिस्टम है ना। प्लीज, ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना जो रोक सके पेड्रो को। ओके, मैं गलत था। पूरा शहर छोड़कर इस खिलौने को भी इन्हीं के घर में गिरना था जो सभी मॉन्स्टर से नफरत करते हैं। तुमने कुछ सुना? घंटी बाबा, कौन है ये नासमझ मॉन्स्टर जो क्रिसमस के दिन इंसानों के घर में घुस रहा है? मेरा मतलब हमारे अलावा। मुझे नहीं पता। वो जो भी था उसने हमें अंदर जाने का रास्ता दिखा दिया। हम चिमनी के रास्ते से अंदर जा सकते हैं। बचाने क्रिसमस का दिन चारों बेवकूफ बच्चे निकल पड़े, छलांग मारी और इंसानों की चिमनी में कूद पड़े। क्रैम्पस नींद से जागा और खुजाने लगा। मजा जोर से उसका लाम और वो उठकर बूढ़ों की तरह हंसने लगा। ओके, गिफ्ट्स की लिस्ट ले ली। डरावने खिलौने की बोरी ले ली। अभी क्रिसमस का टाइम आ गया है। जाते जाते उसे लगा गायब है कुछ तो गुफा से। गौर से देखा तो पता चला हथियार नहीं था दीवार पे। ओके, मेविस ड्रैकुला, मुझसे पंगा लिया, अब दिखाता हूँ। वहाँ इंसानों के घर पर हैंक ने दी कुर्बानी, सबने उस पर गिरकर याद दिला दी उसको नानी। पंगी देखकर मुझे उल्टी आ रही है। ओह नो, गिफ्ट बॉक्स में बंद है। वो खिलौना किसी भी बॉक्स में आ सकता है। हमें जल्दी से उसे ढूंढकर इस खतरनाक जगह से निकालना होगा। गंदा डरावना भालू। अगर इंसान उठ गए तो हमारा बुरा हाल कर देंगे। मुझे जाना था। सांता, छोड़ो मुझे। मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। आ जा इधर भालू। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये तुम्हें कुछ नहीं करेगा। अब चलो दोस्तों, हमें अपना मिशन खिलौना पूरा करना है। हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे। ओह, इन्हें खाकर देखो, ये मीठी कैंडीज मकड़े वाली चॉकलेट से भी टेस्टी है। हमें अभी तक वो खिलौना नहीं मिला है और हमने यहाँ कचरा फैला दिया। हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। हर जगह मेरी जली के दाग हैं। उनको पता चल जाएगा कि हम मॉन्स्टर्स आए थे। पर हम इन गिफ्ट्स को रैप कैसे करेंगे? हमने तो पेपर फाड़ दिया है। पीछे हटो चमड़ी वालों, और इस पट्टी वाले को अपना काम करने दो। अजी बीट बजा दो जी।
रैप किंग प्रॉब्लम सारी सॉल्व करेगा, सारे गिफ्ट्स को अच्छे से रैप करेगा। यह क्रिसमस ना समझो इसे ऐसा वैसा काम, पट्टियों से बांध कर कर दूंगा काम तमाम। ना मुझसा कोई रैपर जरा देखो मेरा स्वैग, ये लो रिबन ये डिब्बा और पकड़ो ये बैग, बांधो अच्छे से पट्टी ना खुले ये बार बार, अभी होगी क्रिसमस नाइट सबसे शानदार। देखो खिलौना उसके पास है, हम उसे वापस कैसे ले? क्रिसमस को अलविदा कहने का वक्त आ गया। तुम सब जाओ, कम से कम तुम अपनी फैमिली के साथ टाइम तो बिता सकते हो। रुक जाओ, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? वाह, ये आसान था। तुम्हारे लिए होगा, मुझे मेरी नई टांग उसे देनी पड़ी। लो, ये अच्छी है। हम बस पहुंचने वाले हैं, हम अभी भी क्रिसमस को बचा सकते हैं। तो तुम यहाँ हो? क्रैम्पस, I'm sorry, Mr. Krampus, पर मुझे ये चुराना ही पड़ा। वैसे भी आप इसे आंट लिडिया को गिफ्ट देना भूल गए थे ना? पर क्रैम्पस कुछ नहीं भूला, इसे मुझे वापस दो। दे दो। मुझे पता है आप मुझे सजा देंगे, पर मेरा जवाब है नहीं। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, तो अब मैं आपसे नहीं डरती। हैंक, टांग। क्रिसमस लड़ाई। हाँ, मुझे भी यही बात जानना है। ओह, ये तो क्रैम्पस है। ये सब मेरी गलती है। मुझे पता चला कि आपने क्रैम्पस से ये क्रिसमस गिफ्ट मांगा था और वो आपको ये देना भूल गए, तो मैंने सोचा कि अगर मैं ही आपको दे दूं तो आप हम सबके साथ क्रिसमस मनाने लगेंगी, वैसे ही जैसे सब डैड के होते हुए मनाया करते थे। वो, तुम्हें लगता है मैं ये गिफ्ट देना भूल गया? तुम्हें पता है मैं हजारों सदियों से ये काम कर रहा हूँ। बच्चे, मैंने लेडिया को ये गिफ्ट नहीं दिया ताकि वो दुनिया की सबसे खतरनाक मॉन्स्टर बन सके। क्या बनाना चाहते थे? तो क्रैम्पस ने सुनाया सबको किस्सा, वो पुराना, कैसे उसने लेडिया के अच्छे दिल को बना दिया कोयले सा काला। लेडिया को गुस्सा दिलाना था इनका काम, ताकि बन जाए वो सबसे खतरनाक शैतान। तो आपने आंट लेडिया को इसलिए गिफ्ट नहीं दिया क्योंकि आप उनकी मदद करना चाहते थे? ठीक कहा, अगर मैं इसे ये गिफ्ट दे देता तो ये बहुत प्यारी सी, क्यूट सी, खुश रहने वाली मॉन्स्टर बन जाती, जबकि इससे बनना था सबसे खूंखार वैम्पायर। क्या बात है! उस रात क्रैम्पस ने मुझे मेरे लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट दिया, शैतानी आत्मा। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। सबसे पहले तुम मेरी बच्ची को उसका गिफ्ट वापस दो और मेरा घर फैलाने के लिए मुझसे माफी मांगो। इंसान? हाँ इंसान, भूल गई, तुमने जिसका घर बर्बाद कर दिया था, गिफ्ट खराब कर दिए और उस खिलौने के बदले मेरी बच्ची को ये सड़ा हुआ पैर दे दिया। अच्छा, तुम्हें किसी की टूटी हुई टांग को ऐसा नहीं कहना चाहिए। अगर तुम हमारे होटल के भूतों का नाश्ता नहीं बनना चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से चली जाओ। मैं बात करता हूँ। ये लो बच्ची, हमारी तरफ से तुम्हें क्रिसमस पर एक छोटा सा तोहफा। ओके हनी, चलो इन मॉन्स्टर्स को अकेला छोड़ दो ताकि ये हमें जिंदा रहने दे और आराम से छुट्टियां बिताने दे। कैसे हो गया? तुम्हारी इतनी हिम्मत? जरा रुक जाओ। कितना खूबसूरत नजारा था। स्कैरी क्रिसमस दोस्तों। ज़ॉम्बी चिल्लाए, भूत गाना गाए, डर
सब खाए और झूमे नाचे गाए। इस तरह मॉन्स्टर्स ने अपना क्रिसमस खुशी खुशी मनाया, पर मेविस अब भी उदास थी, उसे कुछ ना भाया। हालांकि वो जो चाहती थी उसका वो काम पूरा हो गया, पर उसका स्कैरी क्रिसमस अधूरा ही रह गया। सब लोग मना रहे थे ये रात अपनों के साथ, पर अकेले बैठी मेविस को आ रही थी अपने पापा की याद। डैड नहीं आएंगे वो ये बात जानती थी, फिर भी खिड़की पर हुई उस आवाज को वो पहचानती थी। स्कैरी क्रिसमस मेरी प्यारी बेबी बेबी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप आ गए। वैसे यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। अगर काउंसिल को पता चला तो वो मेरे दांत तोड़कर उसका एक शोपीस बनवा देंगे। पर मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए क्रिसमस गिफ्ट ना ला पाया मेवी बेबी। पर मुझे मिल गया। मेरी मेवी बेबी ने भी क्रिसमस मनाया खुशी से। वक्त आ गया है मैं उड़ जाऊं जल्दी से, वैम्पायर काउंसिल में वापस पहुंच जाऊं और सबको स्कैरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर विश कर जाऊं। स्कैरी क्रिसमस डैड।